हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चिट चैट विद शिल्पा। आज की वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उनमें से एक तो है कि ये वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक्स में से एक है। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा था कि दुबई से हम कनाडा कैसे आए, हमने पीआर कैसे अप्लाई की, हमने कोई एजेंट हायर नहीं किया था, सारा प्रोसेस खुद किया था, और आप में से बहुत सारे लोगों पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते थे। तो आज ये वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है। और दूसरा, मैं जानती हूँ कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपके पीयर से रिलेटेड, एक्सप्रेस एंट्री से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, आई होप बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो के एंड तक आप भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप कनाडा की पीआर अपने आप अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एजेंट की मदद के। क्यों ना, जब ये इतना सिंपल प्रोसेस है, सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप खुद ही उस प्रोसेस को कीजिए। और ये बहुत आसान है। ये वीडियो एंड तक देखिए, इसके बाद आप भी यही करेंगे। आज मेरे अंदर से ना वो सोया हुआ टीचर बाहर आ गए हैं, इसीलिए मैंने बोर्ड का यूज किया है। तो बैक टू बेसिक्स चलते हैं और ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। तो एक्सप्रेस एंट्री इज द गेटवे टू कनाडा पीआर। तो जब आपके दिमाग में आता है कि मुझे कनाडा की पीआर अप्लाई करनी है, तो आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ही पीआर अप्लाई करते हैं। और एक्सप्रेस एंट्री में तीन प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू आप कनाडा की पीआर अप्लाई कर सकते हैं। वो तीन प्रोग्राम्स हैं, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, कनाडा एक्सपीरियंस क्लास एंड फेडरल स्किल्स ट्रेड प्रोग्राम। तो कनाडा के पीआर अप्लाई करने के लिए आपको इन तीनों में से किसी एक प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होना पड़ता है। अब साथ साथ मैं अपनी पीआर जर्नी भी शेयर करती हूँ। तो हम लोग एलिजिबल थे फेडरल स्किल्स वर्कर प्रोग्राम के लिए, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप में से जो भी वीडियोज देख रहे हैं, 70-80% लोग इसी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि कनाडा एक्सपीरियंस क्लास में सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका पिछले 3 साल में से 1 साल का कनाडा में काम करने का एक्सपीरियंस रहा हो। फेडरल स्किल्स ट्रेड प्रोग्राम में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके ऑक्यूपेशन NOC कोड B में पड़ता है, या फिर उनके पास अपने स्किल्स या ट्रेड से रिलेटेड कनाडा के किसी एम्प्लॉयर का 1 साल का जॉब ऑफर लेटर है। अब NOC कोड B क्या है? तो कनाडा की पीयर अप्लाई करने के लिए आपको ये भी चेक करना होता है कि आपका जो ऑक्यूपेशन या वर्क एक्सपीरियंस या एजुकेशन स्किल सेट्स जो भी है, वो कनाडा के NOC कोड के 0A या B कैटेगरी में आनी चाहिए। तो NOC है नेशनल ऑक्यूपेशन कोड लिस्ट, जिसमें कनाडा ने अपने सारे ऑक्यूपेशंस और जितने भी जॉब प्रोफाइल्स कनाडा में हो सकती हैं उसको ग्रुप करके कोड्स दे के नंबर किया हुआ है। 0 में मैनेजेरियल स्किल्स की जॉब आती है, A में ऐसी जॉब्स आती हैं जो कि प्रोफेशनल हैं और आपको उसके लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी की डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, और B कैटेगरी में वो जॉब्स आती हैं जो कि आपके स्किल से, ट्रेड से रिलेटेड है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चरल, इस तरह की जॉब्स। तो अगर आपके पास कनाडा के ही किसी इंस्टीट्यूट, प्रोविंस, फेडरल से इशू किया हुआ कोई ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो आप फेडरल स्केल ट्रेड कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। या आपके पास कोई ऐसा फॉरेन एक्सपीरियंस या फिर फॉरेन एक्सपीरियंस रिलेटेड ट्रेड है, बट कनाडा के किसी एम्प्लॉयर ने आपको जॉब ऑफर दिया है जो कि एटलीस्ट 1 साल के लिए वो जॉब आपकी रहेगी, तो आप फेडरल स्केल ट्रेड प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग सिर्फ फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम में ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, जैसे हम भी इसी प्रोग्राम में एलिजिबल थे। तो आज का हमारा, अब वीडियो का आगे का फोकस फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम पे ही रहेगा। अब जब आपको पता चल गया है कि आप फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के थ्रू कनाडा की पीआर अप्लाई करेंगे, तो अब इसमें क्या क्राइटेरिया है अपनी प्रोफाइल बनाने का? तो सबसे पहले तो आपको पूल में एंटर करना होता है, और पूल में सारे वो लोग होते हैं जिन्होंने कनाडा को अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराई होती है पीआर के लिए। लेकिन पूल में एंटर करने के लिए भी फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन फैक्टर ग्रिड। अब सिलेक्शन फैक्टर ग्रिड में 6 फैक्टर्स हैं जिनके बेस पर आपको ये पता चलेगा कि आपके पॉइंट्स पूल में एंटर करने के लिए है लायक कि नहीं। अब वो 6 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस फैक्टर में आप 100 पॉइंट्स पे जज होते हैं, और 100 में से मिनिमम आपको 67 मार्क्स लेने हैं, तब आप जाके पूल में एंटर करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब मान लो आपके 67 पॉइंट्स यहाँ पर बन गए और आप पूल में आ गए, तो आपकी प्रोफाइल को
कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम में एक रैंक मिलेगा और ये वो पूल है, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पे सभी लोगों की एप्लीकेशंस हैं और उन एप्लीकेशंस को एक रैंक या पॉइंट्स दिए हुए हैं और हर 15 दिन के बाद या जब भी कनाडा अपना पीआर नॉमिनेशंस के लिए ड्रॉ निकालता है तो एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेता है, फॉर एग्जाम्पल 470. तो जितने भी लोग 470 रैंक पे या उससे हायर रैंक पे पूल में होते हैं उन सबको इन्वाइट चला जाता है. अब सिलेक्शन फैक्टर ग्रिड का क्राइटेरिया अलग है और सीआरएस का, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम का क्राइटेरिया अलग है. सिलेक्शन ग्रिड फैक्टर 100 पॉइंट्स का है और कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम में टोटल पॉइंट्स 1200 हैं. तो सिलेक्शन ग्रिड फैक्टर में कौन कौन से पॉइंट्स पे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं? तो पहला है एज. एज के है 12 नंबर. तो अगर आप 18 साल से 35 साल की उम्र के बीच में हैं तो आपको फुल 12 मार्क्स मिलेंगे और उसके बाद आपके मार्क्स कम होते जाएंगे. तो 35 साल तक के लोग फुल 12 मार्क्स यहाँ पे ले सकते हैं. उसके बाद लैंग्वेज, जिसमें आप आईएलटीएस का एग्जाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका लिसनिंग में कितना स्कोर बनता है, रीडिंग में कितना बनता है, स्पीकिंग में कितना है, राइटिंग में कितना है. तो हर सेक्शन के अपने कुछ मार्क्स हैं. टोटल मार्क्स लैंग्वेज में मैक्सिमम आप ले सकते हैं 28. फिर एजुकेशन है, एजुकेशन के मैक्सिमम मार्क्स है 25. पीएचडी होल्डर्स को फुल 25 मार्क्स मिलेंगे, मास्टर्स को 23 मिलेंगे, बैचलर्स को 21 मिलेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एजुकेशन में 25 ले सकते हैं, मास्टर्स है 23 एंड बैचलर्स है 21. वर्क एक्सपीरियंस के 15 मार्क्स हैं. अब यहाँ पे अगर आपके पास 6 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे. 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो नंबर थोड़े कम मिलेंगे. 3 साल का एक्सपीरियंस है तो और कम मिलेंगे. बट आपके पास एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए. फिर आपका आता है कैनेडियन जॉब ऑफर. फॉर एग्जांपल कनाडा के किसी एम्प्लॉयर ने आपको आपकी कंट्री में बैठे बैठे जॉब ऑफर दे दिया है और वो लीनिया अप्रूव्ड है. तो आपको, अब वो लीनिया क्या है? लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट. दैट मीन्स कैनेडियन गवर्नमेंट के हिसाब से इस कैटेगरी में इस जॉब के लिए वो एम्प्लॉयर बाहर से एम्प्लॉयज़ को बुला सकता है. तो अगर वो जॉब ऑफर लीनिया अप्रूव्ड है तो आपको उस जॉब ऑफर में 10 मार्क्स मिल जाएंगे. एंड अनदर, अडैप्टेबिलिटी. अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिलेक्शन ग्रिड फैक्टर और सीआरएस फैक्टर्स, सीआरएस में आपके पॉइंट्स जैसे कैलकुलेट होते हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. तो अगर सिलेक्शन ग्रिड फैक्टर में आपके लिए वर्क एक्सपीरियंस 6 साल प्लस का होना चाहिए और तब आप 15 मार्क्स लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सीआरएस में भी 6 साल प्लस का होकर ही आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं. सीआरएस में सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस प्लस 3 इयर्स प्लस इज वन थिंग. इसी तरह सिलेक्शन ग्रिड फैक्टर में अडैप्टेबिलिटी में आता है कि आपके कैसे रिलेटिव्स कनाडा में रहते हैं. अब यहाँ पे रिलेटिव्स में अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल या आंट बाय ब्लड रिलेशनशिप आपके या आपके स्पाउस के, या फिर नेफ्यू या नीस आपके या आपके स्पाउस के हैं, तो आपको फुल 10 मार्क्स, नॉट फुल बट 5 मार्क्स अडैप्टेबिलिटी में मिल जाएंगे. इसके अलावा अडैप्टेबिलिटी में यहाँ सिलेक्शन ग्रेड फैक्टर में अगर आप अपने स्पाउस के साथ आ रहे हैं और उन्होंने अपना आईएलटीएस का एग्जाम दिया या अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स असेस कराए हैं, तो वो सारे पॉइंट्स आपको अडैप्टेबिलिटी में मिलेंगे. अब हम आते हैं, अगर आपने यहाँ 600 में से 67 पॉइंट्स ले लिए हैं या इससे ज़्यादा ले लिए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन्स, आप अपना प्रोफाइल सीआरएफ में डालने के लिए कनाडा एक्सप्रेस एंट्री पूल में एंटर करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं. अब पूल में अपनी प्रोफाइल बनाने से पहले आपको दो चीज़ें चाहिए. एक, आपका आईएलटीएस का स्कोर आपके हाथ में होना चाहिए, बिकॉज आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपने लिसनिंग में कितने मार्क्स लिए, राइटिंग में कितने मार्क्स लिए, चारों सेक्शंस में कितने मार्क्स लिए. और आपके पास होना चाहिए ECA, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट. अभी ECA क्या है? ECA जो भी आपने डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अपनी कंट्री से लिया है, आपको वो सर्टिफिकेट या डिग्री डिप्लोमा कनाडा की किसी गवर्निंग बॉडी को भेजकर असेस कराना होता है कि कनाडा में उस सर्टिफिकेट या उस डिग्री की क्या वैल्यू है. इसको हम कहते हैं ECA. अब ये चीज़ 5 इंस्टीट्यूट्स करते हैं. WES, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज इज वन ऑफ देम, जिसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा फास्ट है. बट फॉर एग्जाम्पल आपकी यूनिवर्सिटी WES से ऑथराइज अगर नहीं है तो आप बाकी 4 ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं. हो सकता है कोई और गवर्निंग बॉडी आपकी डिग्री को और आपकी यूनिवर्सिटी को रिकग्नाइज करती हो. तो ECA आपके हाथ में होना चाहिए, बिकॉज आपको ये फिल आउट करना
पड़ेगा अपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में कि आपकी एजुकेशन कनाडा के हिसाब से किस वैल्यू की है या किस लेवल की है. हो सकता है आपने अपनी कंट्री में मास्टर्स की है बट कनाडा ने उसको सिर्फ ग्रेजुएशन के बेस पे ही असेस किया है. आपका ECA उसका 3 years डिग्री प्रोग्राम आया है तो आपको बैचलर्स के पॉइंट मिलेंगे मास्टर्स के नहीं. इसीलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर बिफोर फिलिंग योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल कि आपका ECA लेवल आपकी डिग्री का क्या है. तो अब जब आप CRS कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम पूल में आ जाते हैं और वहाँ अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो यहाँ आपकी प्रोफाइल को 1200 पॉइंट्स के ऊपर रैंक दिया जाता है जिसमें 600 पॉइंट्स है कोर और 600 पॉइंट्स है एडिशनल. अब कोर में क्या क्या आता है. कोर में आती है आपकी एज, आपके लैंग्वेज स्किल्स, आपके स्किल्स ट्रांसफर फैक्टर्स, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपके स्पाउस का वर्क एक्सपीरियंस, आपके स्पाउस के लैंग्वेज स्किल्स. और जो लोग बिना स्पाउस के आ रहे हैं या जिनके पास स्पाउस नहीं है बाद में कभी आएगा कनाडा में आने के बाद तो उन लोगों का पॉइंट सिस्टम थोड़ा अलग होता है. जैसे कि जो लोग स्पाउस के साथ आ रहे हैं उनको एज के 100 पॉइंट्स मिलते हैं मैक्सिमम और जो लोग बिना स्पाउस के आ रहे हैं उनको एज के 110 पॉइंट्स मिल जाते हैं. जो लोग स्पाउस के साथ आ रहे हैं उनके एजुकेशन के मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं 140. तो जो लोग स्पाउस के साथ नहीं आ रहे उनके एजुकेशन के मैक्सिमम पॉइंट्स हो जाते हैं 160. तो इस तरीके से एडजस्ट हो जाता है. बट ये सारी चीज़ें आती हैं कोर में, एज, लैंग्वेज, योर एजुकेशन, योर वर्क एक्सपीरियंस, योर स्किल्स ट्रांसफर फैक्टर्स एंड योर स्पाउस, स्पाउस लैंग्वेज एंड स्पाउस एजुकेशन एंड स्पाउस वर्क एक्सपीरियंस एंड ऑल. दिस कम्स इन कोर जिसको हम 600 पॉइंट्स के ऊपर डिवाइड करते हैं. एंड एडिशनल 600 पॉइंट्स क्या होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैनेडा के किसी प्रोविंस ने आपको नॉमिनेट कर दिया तो आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन के 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं. अगर आपके ब्रदर या सिस्टर कैनेडा में रहते हैं. अब यहाँ पे सिलेक्शन ग्रेड फैक्टर का रूल नहीं चलेगा कि आंटी अंकल पापा मम्मी दादा दादी का भी पॉइंट्स मिल जाएंगे. सिर्फ आपके सिब्लिंग्स के पॉइंट्स आपको यहाँ मिलते हैं और वो मिलते हैं 15 पॉइंट्स जो कि हम एडिशनल पॉइंट्स में डालेंगे. अगर आपके पास लीनिया अप्रूव जॉब ऑफर है तो आपको 50 पॉइंट्स उसके मिल जाते हैं. या अगर आपके पास एडिशनल लैंग्वेज स्किल्स हैं जैसे कि फर्स्ट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है और सेकेंड लैंग्वेज आपकी फ्रेंच है तो फ्रेंच के भी कुछ पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं. मैक्सिमम 600 पॉइंट्स इन एडिशनल. तो आपको 1200 में से पॉइंट्स कितने चाहिए कनाडा की PR के लिए एलिजिबल होने के लिए या इनवाइट सिक्योर करने के लिए. टू बी ट्रू इसका आंसर कोई नहीं दे सकता क्योंकि पूल में कितने लोग हैं और उनके रैंक्स क्या हैं. हर बार जब भी कनाडा अपने कनाडा पूल में से जब भी लोगों को इनवाइट करता है वो ये देखता है कि उन्हें कितने लोगों को बुलाना है और मैक्सिमम लोग पूल में किस पॉइंट पर बैठे हुए हैं. कई बार ऐसे सालों निकल गए थे जब सिर्फ 470 प्लस लोगों को इनवाइट आया था. बट बैक इन 2018 आई स्टिल रिमेंबर देर वर फ्यू पीपल जिनको 430 एंड 440 पर भी इनवाइट आया हुआ है. आई थिंक द लोएस्ट स्कोर CRS का कभी गया है जब से ये एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम शुरू हुआ है तो लोएस्ट स्कोर गया है 413 का. तो आपका पॉइंट्स कुछ भी बन रहे हो आपको सबसे पहले पूल में तो एंटर कर ही लेना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता कब कनाडा का मन करे कि आज हम 50,000 लोग बुलाएंगे और 350 पर भी इनवाइट भेजते हैं. आई होप ऐसा हो जाए और आप सभी कनाडा में आ जाएं. अब मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पे आप बोनस पॉइंट्स सिक्योर कर सकते हैं. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और IELTS में आपने 8777 का स्कोर कर लिया जो कि एक मैजिक नंबर है. 8 इन लिसनिंग एंड 7 इन ऑल अदर 3 पार्ट राइटिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग और तो आपको 50 बोनस पॉइंट्स कैसे मिलते हैं. एक चीज है यहाँ पर स्किल्स ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आपके 8777 हैं तो आपको यहाँ पे 25 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं. वैसे आपको स्किल्स ट्रांसफर फैक्टर में 25 मार्क्स मिलेंगे अगर आप सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो और आपने 8777 IELTS में नहीं लिया है तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे. लेकिन अगर आपके पास 8777 है और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है तो आपको 50 पॉइंट्स मिलेंगे. तो यहाँ पे आपके 25 पॉइंट्स बोनस हो जाएंगे. दूसरी चीज आपका वर्क एक्सपीरियंस. अगर आपके पास 3+ ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे स्किल्स ट्रांसफर फैक्टर्स में. बट अगर आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस IELTS के 8777 के साथ है तो आपको फिर से यहाँ पर 25 बोनस पॉइंट्स मिल जाएंगे और आपके पॉइंट्स हो जाएंगे 50. तो 25 एक्स्ट्रा आपने ले लिए वहाँ और 25 एक्स्ट्रा ले लिए यहाँ तो 50 पॉइंट्स हो गए बोनस. इस तरीके से आई थिंक पोस्ट ग्रेजुएट बंदा जो 29 साल या उससे कम का है और IELTS में 8777 लिया है हर वो बंदा कनाडा में आ सकता है. अब मान लो आपका स्कोर बन गया है 470
और अगले ड्रॉ में आपको इनवाइट आ गया है, तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले आप कॉन्ग्रेचुलेशंस लेंगे सबकी, मेरी भी ले लीजिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, ब्लैक से चलेंगे व्हाइट की तरफ, और अब काम करना है आपको ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने का। कनाडा जब आपको पीआर के लिए इनवाइट भेजता है तो आपको 2 महीने का टाइम देता है ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके उनको भेजने के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो आपको कलेक्ट करना है प्रूफ ऑफ फंड्स। अब प्रूफ ऑफ फंड्स कितने आपको अपने बैंक में शो करने हैं, वो कनाडा का एक ग्रिड है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जितने भी फैमिली मेंबर्स आपके साथ कनाडा आ रहे हैं उनके हिसाब से आपके प्रूफ ऑफ फंड्स चेंज होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम 3 लोगों की फैमिली कनाडा में आए थे और हमें क्लोज टू $19,800 फंड्स अपने बैंक अकाउंट में दिखाने पड़े थे। अब ये फंड्स आपके अकाउंट में उस दिन भी होने चाहिए जिस दिन आपको पीआर इनवाइट आया, और उस दिन भी होने चाहिए जिस दिन पीआर आपकी पासपोर्ट पे स्टैंपिंग होकर आ जाएगा। अब जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने हैं वो है आपके वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स। जो भी एनओसी कोड आपने अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल फिल करते हुए भरी थी उसके हिसाब से, उसके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से ही आपको आपके वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स बनवाने हैं अपनी कंपनी से, वो सबमिट कराने हैं। बस लेटर्स लेकर सबमिट मत करा दीजिएगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके लिए पीयर्स लोगों की रिजेक्ट होती है, बिकॉज इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि जो काम आपने किया है वही आपके एनओसी कोड से मैच करता है। तो मेक श्योर कि आप वहाँ की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए और अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए, उनको मैच कराइए और तब वर्क एक्सपीरियंसिस लेटर भेजिए। फिर आपको पुलिस सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करने हैं। जिस भी कंट्री में आप 6 महीने से ज़्यादा रहे हैं उस कंट्री से आपको पुलिस सर्टिफिकेट क्लियरेंस चाहिए होगा। एंड पासपोर्ट्स, अगर आपके साथ आपके बच्चे आ रहे हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स, मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपके साथ आपके स्पाउस आ रहे हैं तो, और मेडिकल, आपको मेडिकल कराना होगा कनाडा की ऑथराइज किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर से, और वो मेडिकल डायरेक्टली कैनेडियन गवर्नमेंट को सबमिट हो जाएगा। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा देते हैं उसके बाद वेट, इमिग्रेशन ऑफिसर आपकी फाइल को चेक कर रहा होता है, वो चेक करते हैं कि आपके वर्क एक्सपीरियंस इन लाइन है, सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, और फिर आपको आती है पासपोर्ट रिक्वेस्ट कि अपने पासपोर्ट जाकर सबमिट कराइए, और वो स्टैम्प होकर आएंगे और आपको साथ में मिलेगा COPR। COPR इज कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस। जब आप कनाडा में लैंड करेंगे तो ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने साथ लेकर आना है, और ये पेपर आपको अपने साथ जब तक आप कनाडा के सिटीजन नहीं बन जाते तब तक रखना है। इसके बाद आप कनाडा में आ जाते हैं, वेलकम टू कनाडा। ओके, अब कुछ बात करते हैं उन लोगों की जो आईएलटीएस में 8777 नहीं लेते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, क्या उनके लिए कोई रास्ता नहीं है कनाडा में आने का? देयर आर मेनी वेज मैन, चल, स्टूडेंट वीजा इज वन ऑफ देम, जिन पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कनाडा में आते हैं और पहले पढ़ाई करते हैं फिर वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं और CEC क्लास में अप्लाई करते हैं। अब अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर ऐसा ही एक डिटेल में वीडियो चाहिए, और साथ में आप ऐसे कुछ स्टूडेंट से मिलना चाहते हैं जो कि स्टूडेंट वीज़ा पर यहाँ आए थे फिर वर्क परमिट उनको मिला और आज वो PR होल्डर्स हैं, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं अगले वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे अपने साथ लेकर आऊँगी जिनकी जर्नी हम वीडियोज़ में शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू, और मैं वेट करूंगी आप सब कनाडा जल्दी आए और मुझसे मिले। बाय बाय।